नाचोस एक मैक्सिकन डिश है जिसे सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है, पर जब घर पे बनाने की बात आती है तो समझ में नहीं आता कि इसे कैसे बनाया जा सकता है। तो आइए अब हम सीखते हैं कि नाचोस को घर पे कैसे बनाते हैं। नाचोस को घर पे बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? इसके लिए हम लेंगे 3/4 कप मकाई का आटा, 1/4 कप गेहूं का आटा, थोड़ा सा अजवाइन और स्वाद अनुसार नमक और तेल है। ये क्वांटिटी में से हम कितने लोगों को सर्व कर सकते हैं? इसमें से 2 जन को आप आराम से सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा तेल डालेंगे। इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम पानी यूज करेंगे इसको बांधने के लिए। हम इसको रोटी के आटे के जैसे सॉफ्ट रखेंगे, इसको गूंद लेंगे। नाचोस एक ऐसी चीज़ है, हर किसी के सामने अगर रखा तो मुंह में पानी आ जाता है और खाने का मन कर ही लेता है, क्योंकि ये ऐसी डिश है जो चीज़ सॉस के साथ सर्व की जाती है, तो चीज़ सॉस सबको पसंद आता है, तो वो हर कोई खा लेता है इसको। आटा तैयार है, अभी हम इसके छोटे छोटे इस तरह से गोले बनाएंगे और रोटी के जैसे बेलेंगे। पतला रखेंगे या थोड़ा गाढ़ा? नहीं, इसको थोड़ा सा पतला ही रखेंगे क्योंकि हमें फिर इसको तलना है। ये रोटी अभी हो गई है, इसे हमें त्रिकोणी शेप में कट करना है। तेल गरम हो चुका है। हाँ, अभी हम इसको तल लेंगे। इसे मीडियम आंच पे तलेंगे या लो आंच पे? मीडियम गैस के ऊपर तलेंगे इसको। कब तक तलेंगे इसे? ये थोड़े गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब तक इसको तलना है। काफी क्रिस्पी फील हो रहे हैं। हाँ, ये काफी क्रिस्पी हो जाएंगे, खाओगे तभी आपको बहुत पसंद आएंगे। अब जैसे अभी दे सकते हो, थोड़े ब्राउन हो चुके हैं, तो अभी हम इसको निकाल देंगे। नाचोस तो फ्राई होके रेडी हो चुके, तो अभी आगे क्या करेंगे? इसके साथ हम बनाएंगे एक चीज सॉस, तो वो हम नाचोस के साथ सर्व कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? उसके लिए चाहिए हल्दी, गेहूं का आटा, मलाई, घी, नमक और दूध। सबसे पहले हम थोड़ा सा घी फ्राइंग पैन में डालेंगे, फिर गेहूं का आटा। गेहूं का आटा डालने के बाद हमें इसको थोड़ा सा स्टर करना है। ये थोड़ा पिंक हो जाने के बाद हम उसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। इसके साथ हम बटर भी ऐड कर सकते हैं? हाँ, आप बटर या घी जो भी अवेलेबल है वो ऐड कर सकते हो। देख सकते हो ये थोड़ा पिंक हो गया है। अभी हम इसमें मलाई ऐड करेंगे और इसके साथ थोड़ा दूध भी ऐड करेंगे। इसके साथ ही करें? इसके साथ। ये डालते वक्त हमें कोई बात ध्यान में रखनी चाहिए? ये डालने के बाद हमें कॉन्स्टेंटली इसको मिक्स करना है, क्योंकि इसमें ये जो गांठे है वो रहने नहीं चाहिए, तो वो जब तक डिसॉल्व ना हो जाए हमें इसको मिक्स करते रहना है। और ये मीडियम आंच पे करेंगे या? मीडियम आंच पे करेंगे, क्योंकि बहुत फास्ट रखेंगे तो वो ज़्यादा लम्स होने की चांसेस है। अभी ये हो गया है, अभी हम इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। इसे कब तक पकने देंगे? ये अभी मिक्स हो जाएगा तब तक, और फिर हल्का सा मिक्स करके गैस बंद कर देंगे। अभी हमारा चीज सॉस रेडी है, इसको नाचोस के साथ सर्व करेंगे। ये तो बहुत ही यम्मी दिख रहा है।
पर अगर इसके साथ हेल्दी वर्जन बनाना है तो इसके साथ और क्या सर्व कर सकते हैं? इसके साथ हम बेक्ड बीन्स, जिसको राजमा भी कहते हैं, उसको थोड़ा बॉईल करके उसमें थोड़ा तड़का लगाकर स्वाद अनुसार मसाले डालकर उसको इसके साथ सर्व कर सकते हैं। तो तैयार है चीज सॉस एंड नाचोस। एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि इसे फ्राई करके स्टोर कर सकते, यानी बच्चे जब भी फरमाइश करें हम तुरंत बना के उन्हें दे सकते। तो रेडी है जैन नाचोस विद चीज सॉस। देखते हैं कि इसे राजमा के साथ कैसे सर्व किया जाता है। जैन नाचोस विद चीज सॉस। नाचोस इंग्रेडिएंट्स: 3/4 कप मकई का आटा, 1/4 कप गेहूं का आटा, 1 टीस्पून अजवाइन, नमक स्वाद अनुसार, 1 टेबलस्पून तेल, पानी और तलने के लिए तेल। रेसिपी: 3/4 कप मकई के आटे में गेहूं का आटा, अजवाइन, स्वाद अनुसार नमक और तेल डालकर अच्छे से मिक्स करें और पानी से रोटी जैसा आटा गूंध ले और आटे के गोले बनाकर रोटी की तरह बेल ले और त्रिकोण आकार में टुकड़े करें। तेल में तल ले जब तक वो ब्राउन ना हो जाए। चीज सॉस इंग्रेडिएंट्स: 2 टेबलस्पून घी, 1/4 कप गेहूं का आटा, 1 कप दूध, 1/2 कप मलाई, 1/4 शिमला मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, 1 चुटकी हल्दी। रेसिपी: फ्राइंग पैन में घी गरम करें, उसमें गेहूं का आटा डालें, आटे का रंग गुलाबी हो तब तक पकाएं, बाद में मलाई डालें, थोड़ा दूध डालकर मीडियम आंच पर रख कर हिलाते रहें, पक जाने पर स्वाद अनुसार नमक डालें और हल्की सी हल्दी डालकर थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाएं और आंच से उतार कर तले हुए नाचोस पर स्प्रेड कर दें और गार्निश के लिए हरा काटा हुआ शिमला मिर्च डालकर सर्व कीजिए।